Hello, guys, welcome to Deepak Pari Clips. Thank you for clicking on this video. This is one particular clip from the main episode, the link to which is in the description. Please click on it to watch the full video. And meanwhile, you're here, enjoy this clip. Itni sari hai. I mean, you teach biology to neat students as well. Um, you were mentioning in a couple of your videos, if I'm not wrong, that some of your girl students have a mm -hmm. lot of concerns. सिर्फ कोचिंग भी इसलिए जाने नहीं देते क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसेफ है क्योंकि अब आप हॉस्पिटल के अंदर सेफ से फील नहीं कर सकते तो कहीं भी नहीं कर सकते दूसरा चीज़ जो हमेशा से ही मैंने देखा है वो ये देखा है कि बेटियों के ऊपर ना उतना स्पेंड करने को भी पेरेंट्स रेडी नहीं होते हैं आई हैव सीन दिस और बहुत लड़कियां ऐसे रोती हैं कि क्या आप मेरे को अपना ऐप का फ्री दे दोगे क्या मैं मेरे को यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बोल रहे हैं ट्वेल्थ क्लास कंप्लीट करते ही गर्ल्स कराए कि दीदी प्लीज़ मेरे को बचा लो मेरे माँ बाप ना मेरी शादी करा रहे हैं क्योंकि मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ और ये कौन से एरिया से लोग आते हैं आप मेट्रो सिटीज़ को हटा के सब एरिया में समझो अब छोटे गांव की बात मैं नहीं कर रही मैं उतने छोटे शहर से नहीं हूँ मेरी भी सिचुएशन ऐसी ही है मेरी खुद की कितनी दोस्त ऐसी हैं जो 22 22 साल की हैं उन लोगों की शादियाँ हो चुकी हैं एंड दे आर लाइक फोर्स टू पुट दैट पल्लू सामने मैं ये नहीं बोल रही वो चीज़ गलत है बट इट शुड बी द गर्ल्स चॉइस फैमिली का ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने मतलब मेरी दोस्त है उससे मैं वैसे ही बात कर रही थी शी वॉज लाइक शादी हो रही है आई लाइक कंग्रेचुलेशन वेलकम शी वज लाइक बट आई एम वेरी सैड मैंने यहाँ पे तो मैं जीन्स वगैरह पहनती थी वहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि सलवार कुर्ती ही पहननी पड़ेगी और चुन्नी वो रहनी चाहिए सर पे। कभी बाहर जाएगी अपने हस्बैंड के साथ तब पहन लेना तो मतलब एक तो आप नई फैमिली में एडजस्ट करो फिर अब आप जैसे रहते थे वो भी ऑल ऑफ सडन सब कुछ चेंज हो गया ऐसे घुटन होती है यहाँ तक ना तो आंसू निकलते हैं यहाँ तक भर जाता है और यहाँ तक वो बस भरा ही रहता है ऐसे पकड़ पकड़ के घुटर अब मैं लाइफ में ग्रो करने पे ध्यान लगाऊँ काम करने पे पढ़ने पे ध्यान लगाऊँ कि मैं हर दिन में सुबह कैसे फाइट मारूँ कैसे इनसे हाँ कराऊँ कि हाँ मैं यहाँ जा सकती हूँ हाँ मैं ये कर सकती हूँ वो करूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट वेरी डिफ़िकल्ट इन चीज़ों से पता नहीं कितने लोग रिलेट कर पाएँ क्योंकि पता है जिन चीज़ों को ये जिन लड़कियों तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए ना उन तक तो पहुंचेगी भी नहीं क्योंकि उनके पास इंटरनेट है ही नहीं उनके पास नहीं है इंटरनेट और जिनके पास हम लोगों के पास है हम लोग फिर भी प्रिवलेज हैं हम लोग को ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ में मुझे अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स लगती हैं लेकिन जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखती हूँ ना बुरा हाल है अट्ठारह साल की लड़की को ऐसे फोर्स किया जा रहा है फिर मेरे को ऐसा होता है चलो मैं तो फिर भी बहुत बढ़िया कर रही हूँ लाइफ में अभी तो धीरे 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 आप तो यहाँ तक मैं अपने पेरेंट्स को ले आई हूँ कि अगर मेरे को मुंबई जाना है तो मैं बोलती हूँ पापा जी मैं मुंबई जा रही हूँ पूछती नहीं अदरवाइज तो मेरे को दस दिन पहले हल्का हल्का सीधा कन्विंसिंग नहीं पहले मुझे बस एक माहौल बनाना है कि पापा जी बाहर जाने से ना नई चीज़ें सीखते हैं फिर दो तीन दिन उस टॉपिक को टच मत करो फिर मैं क्या करती थी दो तीन दिन के बाद फिर मैं बोलती कि पापा जी मैं एक बुक पढ़ रही थी उसमें ना लाइक अभी काफ़ी टाइम पहले की बात है दो तीन महीने पहले तो मैंने बोला पापा जी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ डायरी ऑफ अ हो उसमें बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज एंड स्किल्स तो मुझे लगता है पिछले तीन साढ़े तीन चार साल में ना मैंने नॉलेज स्किल्स अच्छी खासी डेवलप कर लिया नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज नेटवर्किंग तुम्हारा तो मैं ले या नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लगे या बस उसके बाद थोड़ा बहुत इसी कोड एक्सप्लेन किया आन एल स्टॉप द कन्वर्सेशन तीन चार दिन मैं उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करूँगा तीन चार दिन के बाद मैं बोलूंगी कि जैसे अभी आज मैंने एक वीडियो तो बना रही थी फिर ऐसे ही मैंने कॉल किया अपनी फ्रेंड देव को एक और कंटेंट क्रिएटर है उससे मेरे को पता चला वो ऐसे कर लेती है अगर मैं उन लोगों से एक बार मिल लूँ और उनका सेटअप एक बार देख लू ना यही चीज जिसको सीखने में मुझे चार घंटा लग रहा है ना मेरे को वहाँ पे आधे घंटे में पकड़ लूंगी उस चीज को वो कैसे 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 कैमरा पकड़ते हैं हैं वो लोग वीडियोस बनाते हैं, कैसे स्क्रिप्टिंग करते हैं कैसे हैंडल करते हैं फिर आई विल नॉट टच दिस टॉपिक अगैन लाइक सोचो अब मैं अपना काम भी कर रही हूँ और मेरे को जस्ट बिकॉज एक महीने बाद कहीं जाना है तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि अभी मुझे धीरे 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 पापा कन्विंस करना है वो एक महीने बाद मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी माहौल बनाया जा रहा है माहौल बनाना है

पर मेरा देखो मेरी तो फटती है मैं तो नहीं जा पाऊंगी अकेली तो आ, आपको आना है तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत सोच सकती हूँ पर फिर वही हो जाता है आप आते हो लोग उतना सीरियसली लेते नहीं अच्छा भी नहीं लगता उतना छोड़ो ना मतलब अभी अपना ऑलरेडी काम सही चल ही रहा है कोई ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है देन आई विल नॉट टच दिस टॉपिक अगैन आफ्टर फोर फाइव डेज दैट गर्ल इज़ ऑल्सो कमिंग अब मेरे को मतलब उतना फट नहीं रहा है कैन स्टे विद हर लेकिन हाँ तो फिर जाना चाहिए चलो फिर मैं देखती हूँ अब मैं ये देखती ये। तक ले आई अभी भी मैं हाँ नहीं करती अब मैं देखती तक ले के आई उसके बाद जब ऑलमोस्ट चार पांच दिन बचते हैं फिर मुझे बाबा जी चली जाऊँ क्या हाँ चली जा बेटे तब जाके एंड मोमेंट पे एकदम से हाँ हो पाता है कि हाँ अब जा सकते मेरे को लगता लो है।, है ये बहुत टाइम से कर रहे हो आप मैं मैं मेरे को चार साल हो चुके हैं फ्रॉम इतना बढ़िया प्रोसेस आपने एक्सप्लेन किया है ना माहौल बनाने का और एक आई आई टॉक टू माई डैड फॉर हाफ एन आवर एंड वन आवर फ्रॉम बींग दैट पर्सन जो मेरी मम्मा को बोलते थे एकदम चुन्नी तो ठीक है मुँह छुपाना है मेरी मम्मा अपने जितने भी वो हैं उनसे सबसे मुँह छुपाती हैं दिखाती नहीं है पापा के जो बड़े भाई हैं वो तो छुपाना है लेकिन बाहर के कमरे तक आवाज़ भी नहीं जानी चाहिए और किसी तक ताऊ जी को आवाज़ भी नहीं सुननी चाहिए मेरी मम्मा की जब मैं छोटी थी मैं पैदा हुई थी एक बच्चा रोएगा उसको चुप कराने के लिए माँ बोले तो ही ना पर साइड वाले कमरे तक आवाज़ नहीं जानी चाहिए तो वहाँ से अब मेरे पापा उस उस तक आ चुके हैं चलो इफ़ यू एवर लाइक एनी गाय टेल मी यहाँ तक आ चुके हैं तो इट टुक हेल लॉट टाइम फॉर मी एंड माई मदर टू चेंज हिम धीरे 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 मेरी मम्मा जब बोलती हैं कि जब शादी हुई थी आ, शहर में हमको लेके जाते आ, जैसे ही गांव में एंटर करते बाहर रोक देते थे बाइक से उतारते थे कि तू अब पैदल आ जा और ना लोग कहेंगे अपनी आ, वाइफ को पीछे बिठा के घूमते रहता है तो ये तो सारा दिन तो फिर खुद जाते थे और मम्मी को ऐसे और मान लो पापा को कोई अपना कोई बड़ा बुजुर्ग दिख जाता सीनियर दिख जाता तभी बाइक से उतर उतर जा, उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ और अकेले जाते थे बाइक पर दिस वॉज द सिचुएशन फ्रॉम दैट टिल हियर डैथ आर कन्वेंसेबल हो जाते हैं मैं बोल रही हूँ तो इसीलिए इसी like, मैं रिसेंटली मैंने ये सब वीडियोस भी बनानी शुरू कर दी हैं कि इफ़ सम थर्टीन ईयर ओल्ड फोर्टीन ईयर ओल्ड एटीन ईयर ओल्ड गर्ल इज सिटिंग हु इज़ फेसिंग द सेम सिचुएशन लाइक मी और उसको लग रहा है कि अगर मैं ये स्टेप्स लूँगी तो क्या मुझे लाइफ में कभी इंडिपेंडेंस मिल पाएगी लिबर्टी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी तो आई एम टेलिंग यू इफ आई कैन यू कैन डू दैट एज वेल हैाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीडियो इफ यू लाइक डिट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर इट अराउंड ऑन यन योर इंस्टाग्राम टिंडोर वम्बुल एवरी सिंगल वेयर बिकॉज वी नीड दैट्रैक्शन बट थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो एंड यू विल कम अक्रॉस एवरी न्यू क्लिप Every single day. So don't forget to subscribe and I'll see you guys around. Thank you. Cheers.